राघव पल्लव भोलन की। चपला चमके अब देश घने पुनि मंद मंद मुस्कान बने। संकट में काला पलगट पर जा पर मिट कटवा गिरगिट बन जा। हमारी बारी है। हेलो बाल्टी बॉय। हाय। क्रिश फिर से लेट, जरूर कहीं केले खाने बैठ गया होगा। चलो चलो हम तैयार होते हैं। क्रिश, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, मेरी बाल्टी। मैंने कितनी बार कहा है हमें इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे खुले नहीं रखने चाहिए, लेकिन मेरी कोई सुने तो ना। लेकिन यहाँ कौन आएगा? और फिर हमारे चूहे तो हमेशा यहीं रहते हैं। चूहे? चूहो, इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ है? मेरे प्यारे चूहो, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं बिल्ली हूँ, लेकिन आप कभी नहीं भूलना कि मैं कौन हूँ। मैं कैसे भूल गई? ऐसी बंदर सी हरकत तो एक बंदर ही कर सकता है। बाल्टी बॉय, यहाँ इतने सारे पत्थर हैं, इसका हम क्या करेंगे? बजाएंगे। पार्टी बॉय, चूहो, ये पत्थर हटाएंगे प्लीज, या मुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा। क्यों, डरा दिया ना? तुम्हें पता है क्रिश, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। इसीलिए तो। और खास करके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मजाक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और तुम बाल्टी बॉय, तुम क्यों बंदर की तरह हंस रहे हो? अरे अपनों के साथ मजाक नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे ट्रेश? लेकिन मैंने तो सुना है लोग अपनों के लिए जान तक देते हैं। जैसे वो शिकारी और हिरन की कहानी में। हाँ वही। तुम कितनी स्मार्ट हो त्रिश। और तुम कितने भोले भोले। तो सुनाए। जरूर। अरे एक बार री कथा सुनो, भारत रे रेगिस्तान री, एक ही मोटी महारानी आपड़ रे राजस्थान री। अरे खानो खाती मन भरियो, करवेगी भैंस। तन वेगो मोटो मोटो, बुद्धि चरती खास। ओ बोलो मोटी महारानी की जय। ओ बोलो मोटी महारानी की जय। ओ बोलो बोलो मोटी महारानी की जय। खानो तैयार है महारानी सा। क्या रोज रोज वही खिलाते हो? तंदूरी, टमाटर, भिंडी, लड्डू, मन्ने उल्टी आवे। महारानी सा, आपरी आज्ञा वे तो एक बात अर्ज करूं। कहो। आप रानी नहीं महारानी हो, और आप रही महल में, आप रही राज में, आपने आप रही पसंद रो खानो नहीं मिले है?
આપણે મહારાજા સાહેબ ને કેમ નો ચાહીજે? હમ ખાણા ચાહતે હૈ, હમ ક્યા ખાણા ચાહતે હૈ? હા, હમેં ચાહીએ ગરમા ગરમ મસાલેદાર હિરણ કા માંસ. જાઓ મહારાજા સાહેબ સે કહે દો કે હમ હિરણ કા માંસ ખાણા ચાહતે હૈ. दासी अनुमति चाहती है. भोजन रो समय हो गया ऐसा. महारानी से कहना वो भोजन के लिए हमारी राह ना देखे. नहीं दाता, महारानी सा एक संदेशो भेजवायो है. शिकारी हाजिर है. घड़ी खम्मान दाता, पधारिए राज शिकारी जी, आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है. हुकुम महाराज. हमारी महारानी सा खाना चाहती हैं कुछ खास. उनके मन में बसा है हिरण का मांस. हुकुम सर आंखों पर महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं आज ही जंगल जाऊंगा और बिना हिरण वापस नहीं आऊंगा. शिकारी, कृपया एक क्षण ठहरिए. मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं, आप मेरे प्राण ले सकते हैं, परंतु उससे पहले मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए. प्रार्थना? जब पहली बार आपका निशाना चूक गया तब मैं भाग सकती थी, लेकिन मेरे स्वामी बहुत अस्वस्थ हैं, ये जड़ी बूटी ही उनके प्राण बचा सकती है, और मेरी प्रार्थना यही है कि आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं ये बूटी मेरे स्वामी तक पहुंचाकर अपने बच्चे को एक बार गले से लगाकर उल्टे पैर वापस आ जाऊंगी, तब आप मेरे प्राण ले लेना. मैं क्यों थारो विश्वास करूं कि तुम वापस आओगी? हे शिकारी, ये मेरा वचन है. परंतु एक बात याद रखना, मैं इस वन के हर वृक्ष, डाल और पत्ती पत्ती से परिचित हूं. तारो छुपना मुश्किल है, देर सवेर मैं तुम्हें खोज ही लूंगा. चिंता ना करें, मैं अपना वचन निभाऊंगी. हाँ,
कैसे जाऊं? क्या कहूंगी मैं अपने बच्चे से, अपने स्वामी से? क्यों ना हम इस वन से ही कहीं दूर चले जाएं? ओह, पर स्वामी तो ऐसी हालत में चल भी नहीं पाएंगे। क्या कोई हल नहीं समस्या का? माँ, इतनी देर क्यों कर दी? क्या बात है, वो बूटी मिलने में इतना? चलो, इन्हें खाके मैं कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाऊंगा, फिर तो तुम्हारी उदासी चली जाएगी ना। क्या हुआ, तुम कुछ छुपा रही हो? तुम वापस नहीं जाओगी। मुझे जाना ही होगा स्वामी, मैंने वचन दे दिया है। और वो कोई साधारण शिकारी नहीं, राज शिकारी है। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हम सबको मार डालेगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन शिकारी को एक हिरण चाहिए, बस एक हिरण, कोई भी हिरण, तुम या और कोई, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, मैं समझी नहीं। देखो, हमारा बेटा छोटा है, जब तक वो बड़ा नहीं होता उसकी देखभाल तो तुम्हें ही करनी होगी, वो तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा। आपकी बात सही है, परंतु परंतु कुछ नहीं, तुम्हें हमारे बेटे के साथ रहना होगा हमेशा। आप ये क्या कह रही हैं? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। जिद ना करो, वैसे भी मैं अस्वस्थ हूँ, क्या पता इस जड़ी बूटी का असर हो ना हो। नहीं, गलती मेरी है, मुझे सावधान रहना चाहिए था, लेकिन बूटी की तलाश में मैं सावधान रहना भूल गई। नहीं, हमारे बेटे का ख्याल तो आप ही रख सकते हैं। इसका यही हल है, गलती किसी की नहीं, गलती तो हमारे भाग्य की है। अब बहस छोड़ दो और मुझे जाने दो। इसका और एक उपाय है। और एक? आप शायद भूल रही हैं, इस परिवार का और एक सदस्य है मैं। और अगर शिकारी को हिरण चाहिए तो मैं भी एक हिरण हूँ। बेटे! हाँ माँ, मैं जाऊंगा। बेटे, जीवन और मृत्यु का मतलब भी जानते हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। बस बस, क्यों ना हम सब शिकारी के पास चले, वो जिसके चाहे प्राण ले ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। त्रिश, चलो हम उनकी मदद करते हैं। कृष, तू पेड़ से शिकारी पे एक बड़ा सा पत्थर मारना, मैं उसे दो चार घूंसे मार दूंगा। तब तक त्रिश, तू उसके सारे तीर लेके भाग जा, और इस तरह हम उस हिरन परिवार को बचा लेंगे। बाल्टी बॉय, हम इस एक हिरन और उसके परिवार को तो बचा लेंगे, लेकिन जंगल के बाकी जानवरों का क्या होगा, उन्हें कौन बचाएगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे सोचने के लिए तुम्हारे पास क्रिश, फिर से मत शुरू करो। देखो, हम कहानी तो बदल सकते हैं, लेकिन उनका भाग्य नहीं। भगवान पे भरोसा रखते हैं बाल्टी बॉय, कहानी को बढ़ने देते हैं।
अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बीमार पति और छोटे बच्चे को देख के मेरा दिल पिघल जाएगा? चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं। सब तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। अब निर्णय आपको करना है कि आपको किसके प्राण लेने हैं। मतलब? हे शिकारी, आप मेरी सुनिए, मेरे प्राण ले लीजिए। मेरे जैसा बड़ा शिकार देखकर आपके महाराज बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप मेरे प्राण ले लो। एक छोटे हिरण के मांस का स्वाद चखकर आपके महाराजा आपको बड़ा इनाम देंगे। हे शिकारी, मैंने आपको वचन दिया है, आप मेरे प्राण लीजिए। नील तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चुप करो, सब शांत हो जाओ। मैंने निर्णय ले लिया है। राज शिकारी हाजिर है। क्षमा कीजिए महाराज, यह आपका धनुष और तीर। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे राज शिकारी की पदवी से मुक्त कर दें। और महारानी सा का हिरण, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? महाराज, मैं हिरण के शिकार पे गया तो था, परंतु 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 वन में जो मैंने देखा, जो मैंने सीखा। पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए। तुमने ठीक ही किया। एक तरफ है हमारी पतनी, जिनके दिमाग पर लालच का भूत सवार है, और दूसरी तरफ है वो हिरण और उसका परिवार। हम राजा हैं और हमारी प्रजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे वन में रहने वाला हर पशु, हर पक्षी हमारी प्रजा ही तो है। तुमने हमारी आंखें खोल दी राज शिकारी। राज शिकारी जी को स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी जाए। घड़ी खम्मा महाराज, घड़ी खम्मा। पहले राज बावर्ची को बुलाया जाए और फिर महारानी जी और उनकी राजदासी को। आ गए राज शिकारी, लाए हो वो हिरण का मांस। क्या हम देख सकते हैं? क्या हम खा सकते हैं? हिरण विरण तो आता रहेगा, उसके पहले ये खाइए, एक अनोखा व्यंजन। क्या हिरण नहीं है तो क्यों बुलाया हमें? जाइए, हमें नहीं खाना और कुछ। ये हमारा आदेश है। क्या है ये? इसे खिचड़ी कहते हैं। यही खा के हमारी प्रजा अपना गुजारा करती है, और जब तक आप अपनी लालची आदतें नहीं बदलती, आप भी रोज यही खाना खाएंगी। यही आपका दंड है। अपने लालच के लिए किसी की जान लेना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। और अब तुम्हारी सजा दासी, जब तक तुम अपनी चुगलखोर हरकतें नहीं बदलती, तुम्हें राज तबेले की हर गाय की सेवा अपने हाथों से करनी होगी। ये हमारा आदेश है। वाह, क्या बढ़िया सजा मिली लालची रानी को, मजा आ गया। जब वो सब एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए उतावले हो रहे थे, मुझे तो रोना आ रहा था। ये कृष अपने आप को बहुत होशियार समझता है, लेकिन कभी कभी पते की बात तो तुम्हें ही समझ में आती है बाल्टी बॉय। पते की बात? हाँ कृष, रानी को सजा तो मिल गई, लेकिन ये कहानी थी अपनों की, अपनों के लिए कुछ भी करने की। लगता है वो तो तुम्हारे समझ में आई ही नहीं। वो तो मैं समझ ही गया था। ओए कृष, छोड़ ना,
मान लेना, नहीं समझा तुम्हें कहानी का अफसाना? अरे अफसाना नहीं, फसाना। क्रिश, बाल्टी बॉय का मजाक मत उड़ाओ। हाँ क्रिश, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मूर्ख से दोस्ती करना। त्रिश, मुझे लगता है क्रिश ने मुझे मूर्ख कहा। क्रिश, माफी मांगो। सच बोलने के लिए माफी मांगू? हाँ मांगो। ठीक है मैं माफी मांगता हूँ। आप सबसे माफी चाहता हूँ कि अब हमें जाना होगा, फिर मिलेंगे जरूर ब्रेक के बाद त्रिश और बुद्धू बॉय के साथ। त्रिश, इसने फिर से क्रिश, 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 क्रिश,